हेलो दोस्तों, आज आपको हम ब्रिक्स टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं। टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, ये हमारा वीडियो का पार्ट टू होगा। पार्ट वन ऑलरेडी हमने अपडेट किया हुआ इंग्लिश बॉन्ड के बारे में, जिसमें हेडर स्ट्रक्चर ब्रिकवर्क एज पर प्रैक्टिकल साइड पे कैसे होता है। तो आज हम आपको टेस्ट ऑफ ब्रिक्स जनरली साइड पे बताने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ दोस्तों, इसमें आता है मोड ऑफ ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। एक तो इसमें आता है स्टैंडर्ड ब्रिक्स साइज और एक होता है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स साइज। तो दोस्तों, साइज पे जो हम ब्रिक्स यूज होता है, जनरली नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स यूज करते हैं, जिसका साइज होता है 23 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। बट लेकिन हम मॉड्यूलर साइज ब्रिक्स हमारे साइड पे जनरली यूज होता है, तो हम इसकी के टेस्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला आता है फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में क्या क्या होता है वो आपको बताएंगे पहले, फिर लैब टेस्ट में जो हमारे नोटबुक में तैयार हो फिर वो भी डिटेल में बताएंगे। पहला आता है दोस्तों इसमें ब्रिक कलर टेस्ट। जब भी आपके साइड में ब्रिक्स आए तो सबसे पहले आप उसका कलर आप देखें, जो उसका कलर होगा रेड चेरी कलर में होना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए हमारा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आता है साउंड टेस्ट। जब आप दो ईट को लेकर आप जब साउंड टेस्ट करेंगे तो उसका जो साउंड कुछ प्रोड्यूस होगा वो मेटेलिक साउंड होना चाहिए। थर्ड दोस्तों आता है डायमेंशन टेस्ट। ये सर अपना IS कोड 1077/1992 के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं। तो जो डायमेंशन टेस्ट हम करेंगे मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसका साइज 23 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर होता है। mm अगर हम देखें तो 230 mm, 115 mm, 75 mm। अगर इंच में हम देखें तो 9 इंच, 4.5 इंच, 3 इंच। फिर जब इसका हम सैंपल 20 ईट का सैंपल लेते हैं, जब इस टेस्ट को हम करते हैं ब्रिक डायमेंशन टेस्ट का, तो 23 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, इसको जब हम टेस्टिंग के लिए हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं 23 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये 0.5 हम यहाँ से हटा देते हैं जब हम टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों 20 ईट के हम सैंपल ले चुके हैं यहाँ पे। इस तरह से आपने इसको लेंथ वाइज में ईट को लेयर में बिछा देना, 20 ब्रिक्स इंटू 23 से मल्टीप्लाई होकर 460 सेंटीमीटर माइनस प्लस 8 सेंटीमीटर टॉलरेंस इसका होगा। जब आप इसका चेक करेंगे अगर वो एग्जैक्ट आएगा तभी हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लेंथ अकॉर्डिंग मतलब मैच करना चाहिए। फिर उसी तरह आता है विड्थ। इसके विड्थ में फिर 20 ब्रिक्स लगाएंगे ऐसे ऐसे में, और 11 सेंटीमीटर जो हमने एज्यूम किया है ये 220 सेंटीमीटर माइनस प्लस 4 सेंटीमीटर इसका टॉलरेंस होना चाहिए। अगर ये भी अगर आ रहा है आपका एग्जैक्ट तभी जाके फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को ये नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। थर्ड आता है हमारा हाइट। हाइट भी हम इसी तरह 20 ब्रिक्स लेंगे, फिर 7-7 सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा 140 सेंटीमीटर हो गया, माइनस प्लस 4 सेंटीमीटर इसका टॉलरेंस आना चाहिए। अगर ये आपका ये तीनों चीज अगर फॉलो हो रहा तो भी एक जाके हमारा ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स कहलाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों आता है एब्रेशन टेस्ट, रविंग या स्क्रैच। हम ब्रिक्स के ऊपर अपने नेल थम से इसको हम स्क्रैच करते हैं। अगर ब्रिक्स के ऊपर अगर आपका ये विजिबल आता है तो हमारा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स नहीं होगा। उसके ऊपर विजिबल नहीं आना चाहिए जब भी आप उसको नेल से हम करते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल ये 2-3 टेस्ट आपको बताने वाले हैं इसका। दोस्तों आप पहले सबसे पहले देख सकते हैं इसका कलर जो लगा लगा आपका रेड चेरी होना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत व्हाइटनेस है बट लेकिन काफी हद तक मतलब इसका कलर ठीक है। फिर इसके हम आते हैं साउंड टेस्ट में, जो इसका साउंड मेटेलिक होना चाहिए, जो आपको हम चेक करके दिखा रहे हैं। ये साउंड इस टाइप का होना चाहिए। उसके बाद थर्ड इसका आता है, इसको हम इसको फेंक के देख सकते हैं, जो ईट आपका टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट भी जाए तो ये बीच से टूटे, प्रॉपर एक शेप में टूटे, तब जाके आपको ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का नॉर्म्स। अभी आपके सामने देख सकते हैं, आपको हमने फेंक के दिखाया है। इसके थर्ड आता है दोस्तों, इस पे हम इंप्रेशन चेक करते हैं नेल के थ्रू। इसमें हल्का हल्का आ रहा है बट लेकिन इतना ज्यादा नहीं आ रहा, हम आपके सामने दिखा रहे हैं पूरा स्क्रैच करके, तो इसमें कम आ रहा है। लगभग लगभग ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का हमारा नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आता है हमारा लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम जनरली वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने दोस्तों क्या करना है, हमने सैंपल टेकन करना है। सैंपल आप 3 और 5 भी सैंपल टेकन कर सकते हैं, बस यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं 3 नंबर ऑफ ब्रिक्स का सैंपल ले रहे हैं। दोस्तों इसको पहले क्या करेंगे, हम इसको ओवन में रखेंगे 105 से 115 डिग्री सेल्सियस में फॉर 24 आवर्स फॉर ड्राई करने के लिए। ड्राई करने के बाद दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसका सैंपल का वेट हम लेंगे W1, W2, W3, हमने 3 सैंपल ले रहे थे, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम दोस्तों क्या करें, पानी में इसको हम 24 आवर्स के लिए इसको भिगोएंगे, जिसका टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम दोस्तों इसको पानी में वेट होने के बाद मतलब ईट को निकालने के बाद हमने क्या करना, 3 मिनट के अंदर अंदर हमने ये वेट ब्रिक का सैंपल लेना है, मतलब वेट लेना है जो W2 हमारा, जब W2, W3 ये तीनों का हम सैंपल वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालेंगे, जो कि होता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100।
तो जो डब्लू टू हमारा है वेट ऑफ ब्रिक मतलब गिलाइट, और डब्लू वन जो हमारा है सुखाइट है, और डब्लू वन फिर ये सुखाइट, इसके हिसाब से हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए नॉट एक्सीड मतलब 20% लेस देन होना चाहिए आपका, इससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए कभी भी आपका। तो फिर आपको हम नोटबुक में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हम टेबल के थ्रू समझाने वाले हैं इसकी कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारा ड्राई वेट ब्रिक का W1 3.204 आ गया, उसके फिर वेट मतलब गीले ईंट का वेट आ गया 3.508, इसके हम परसेंटेज निकाले W2 - W1 / W1 × 100, ये कैलकुलेशन हमारा आ गया 9.48%। इसके बाद दोस्तों इसी तरह हम W2 का परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर W3 का निकाल लेंगे, फिर इस टेबल में हम यहाँ पे फिल करके सैंपल वन सैंपल टू सैंपल थ्री का यहाँ पे डाल के इसका मीन हम निकाल लेंगे, जो कि हमारा रिजल्ट आ रहा 9.74%, जो कि हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिज के लिए पास है। अब दोस्तों सेकेंड टेस्ट हमारा आता है लैब टेस्ट में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो हम करते हैं सीटी मशीन पे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन उसको हम बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, सैंपल टेकन करते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं और 3 पे भी आप इस सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम 3 नंबर ऑफ ब्रिक्स के सैंपल पे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसको फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, हम 24 आवर्स के लिए इसको हम क्यूरिंग करेंगे किसी बकेट में डाल के, जिसका टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, ब्रिक्स में आपको हमने दिखाया होगा कि ब्रिक्स जब हम टेस्ट करें उसमें जो फ्रॉग होता है, उसमें जो खाली होल्स होता है, उस फ्रॉग को हम फिल करने के लिए 1:3 का सीमेंट और सैंड का मसाला मिक्स करके उसको हम फिल करते हैं, और उसको हम लगभग लगभग 5 घंटे के लिए सन लाइट में उसको हम छोड़ के उसको सूखने छोड़ते हैं। उसके बाद 3 डेज के लिए क्यूरिंग करते हैं, उसको गनी बैग या जूट के बैग से लपेट के उसको हम पानी डाल के क्यूरिंग करते हैं। आफ्टर क्यूरिंग हम उसको टेस्टिंग के लिए मशीन पे लेके आते हैं दोस्तों। तो ऊपर और नीचे उसमें हम 3 mm की प्लाई प्लेस करके फिर उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। जब भी आप टेस्ट करें तो टॉप और बॉटम में प्लाई और उसके मिड में ब्रिक्स होगा, और उस पर जो दोस्तों हम लोड अप्लाई करते हैं 40 N/mm² / मिनट, 140 kg/cm², मतलब 1 मिनट में इतना ही आपने उस पर लोड प्रेस करना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, मीन जो रिजल्ट होना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए 10.58 N/mm² होना चाहिए, सेकेंड क्लास के लिए 7 N/mm² होना चाहिए, थर्ड के लिए 3.5 N/mm² होना चाहिए। इसका दोस्तों हम आपको टेबल में दिखाने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमने क्या करना, 3 सैंपल ले लेना है। तो जो फर्स्ट सैंपल हमारा जैसे हमने लेना है यहाँ पे, जैसे हमारा हो गया ये, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा 245 kN है, तो इसको किलो न्यूटन हम कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम साथ में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ब्रिक्स का एरिया 230 × 115 26450 mm², इसका एरिया होता है। तो ये दोस्तों हमारा आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया आंसर, इसका 9.26 N/mm² आ गया फर्स्ट सैंपल का। इसी तरह सैंपल टू का 295 है, फिर सैंपल थ्री का 280 kN है। इस तीनों का हम निकालेंगे, इसका 11.15 आ रहा है, इसका 10.58 आ रहा है। एवरेज स्ट्रेंथ इसका हम जब हम निकालते हैं तो 10.33 N/mm² आ रहा था। दोस्तों इसमें हमारा ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का नॉर्म्स बिल्कुल फॉलो हो रहा था, हमारा ये ब्रिक्स जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये फर्स्ट क्लास है। जब भी आप दोस्तों साइड पे आपके ब्रिक्स आए तो आप ये जनरली 6 टेस्ट आप जरूर करें, मतलब साइड पे आप जब भी आप ये सभी मतलब इंजीनियर्स साइड पे फ्रेशर जो भी हैं, ये सारे टेस्ट आपको अच्छे से आना चाहिए जब भी आप साइड पे ब्रिक वर्क आपके पास हो तो आपके नॉलेज हो। तो दोस्तों आज आपको हम यही बताने वाले थे स्पेशली ब्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।